अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम रजा। फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी फॉर क्लास सेकंड ईयर, अगेन सेकंड ईयर फॉर कराची बोर्ड, फॉर सिंध बोर्ड। टुडे अवर सब्जेक्ट इज बायोलॉजी, द चैप्टर इज फोर्थ व्हिच नेम इज रिप्रोडक्शन। दिस इज अवर सेकंड लेक्चर इन दिस चैप्टर एंड अगेन द मेन टॉपिक ऑन व्हिच टुडे वी हैव टू डिस्कस दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज अवर सेकंड इंपॉर्टेंट लेक्चर। फर्स्ट वॉज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, बिफोर आई गो टू माई टूडेज लेक्चर, देर इज अ लिटिल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बटन ऑफ बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक सो मच। मूविंग टूवर्ड्स अवर टॉपिक, जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी गोनेडल ऑर्गन्स चाहिए। ठीक है, जेनिटल ऑर्गन्स चाहिए, वो कौन से हैं? ओवरीज हैं ऑफ कोर्स। हमारे पास मेल के पास होते हैं टेस्टिस और फीमेल के पास होते हैं ओवरीज। ठीक है, और यहाँ पे भी जो ओवरीज हैं वो इंटरनल जेनिटेलिया है। ठीक है, और जो वेजिनल कैनाल है, दो हैं इसके पास भी जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, वो क्या है? वेजिनल कैनाल है, वेजाइनल कैनाल। ठीक है, जो भी पढ़ते हैं आप, तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद हमारे उसके प्रोसेस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, कि भाई एग किस तरह से बनता है, उसकी भी साइकिल है जो कि टोटल 28 डेज की साइकिल है। ठीक है, उसके अंदर चार फेजेज हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, क्या है इसमें, कहाँ क्या होगी, क्या किस तरह से होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से हमारे पास टेस्टिस होते हैं, तो वो होते हैं यहाँ पे इनके पास ओवरीज। अब हमारे जो टेस्टिस हैं मेल के, वो डिसेंडेंट हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनके डिसेंडेंट नहीं है, ये यहाँ पे एब्डोमिन रीजन में ये है। ठीक है, इनका बट कहाँ पे था, वो भी एब्डोमिन रीजन में था, हमारा मेल का भी बट कहाँ था, एब्डोमिन रीजन में। लेकिन यहाँ पे इनका जो ओवरीज है फीमेल का, वो हैंग नहीं हुआ नीचे, डिसेंड नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो मेल का रिप्रोडक्टिव गोनेडल ऑर्गन था, टेस्टिस, वो डिसेंडेंट हुआ। ठीक है, डिसेंड नीचे हुआ, हैंग हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे इस ओवरीज के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब जिस तरह से कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर से, ठीक है, ये क्या है, ये तो हो गया भाई हमारा ओवरी। ठीक है, ये हमारे ओवरीज हो गए, ये भाई ओवरी हो गया ओवरी एक, ये दूसरा ओवरी। ठीक है, एब्डोमिन रीजन में। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जो पहले नोट किया मैंने, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास क्या, फिम्ब्रे। ठीक है, फिम्ब्रे इसको कहते हैं हम। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ये इसका एक वेजल बन रहा है, जिस तरह से एक वेजल होता है, उस तरह से वेजल बन रहा है। वो कौन सा वेजल है, उस एक डक्ट है। ठीक है, उसे कहते हैं हम ओविडक्ट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, ओविडक्ट, यहाँ ओविडक्ट कहते हैं और कुछ नहीं कहते। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड पे भी है, ओविडक्ट तो कहते हैं, लेकिन और कहते हैं इसको हम फेलोपियन फनल। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये। ठीक है, ये दोनों दो स्ट्रक्चर बने हुए, इस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम सर्विक्स। अब सर्विक्स का क्या होता है, जिस तरह से यहाँ से विजाइनल से स्पर्म आता है विजाइनल कैनाल से, और वो मीट करता है किससे, एग से, तो यहाँ पे जो बेबी फॉर्मेशन आती है जायगोट से, एम्ब्रियो से, ग्रोथ से, एक मतलब कि एक चाइल्ड बेबी या अडल्ट फॉर्म होता है, तो यहाँ पे जो अडल्ट का मास होता है, यहाँ पे इसका जो वजन होता है, पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, सर्विस के ऊपर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये किससे बना हुआ है, फिब्रियो कार्टिलेजेस से, ये किससे बना हुआ है, फाइबर से और कार्टिलेजेस से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।
ये किससे बना हुआ है, फाइब्रो से, फाइबर से और कार्टिलेजस बोन्स से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लेयर्स हैं यहाँ पे, या कुछ वेजल्स हैं आप कह लें, ठीक है। वो कौन सी हैं वेजल्स? अब यहाँ पे चार वेजल्स हैं, ठीक है। पहली पहली जो वेजल है उसे कहते हैं यूटेरियस, ठीक है, यहाँ पे देख रहा है आपको, आगे चलते हैं हम। और जो दूसरी वेजल है उसे कहते हैं हम एपीमेट्रियम, ठीक है। ये जो एक वॉल, दूसरी, तीसरी, चौथी वॉल, ठीक है, चार वॉल्स इस तरह से यहाँ पे हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको चार वॉल्स दिखेंगी, ठीक है। एक ब्लैक, एक रेड, एक ग्रीन कलर की, और एक होती है, एक है ब्लू कलर की, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो रेड वाली लेयर आपको नज़र आ रही है उसे कहते हैं हम एपीमेट्रियम ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लैक वाली तो एक हो गई यूटेरियस, ठीक है, एक हो गई वेजल वो, और जो दूसरी लेयर, दूसरी नंबर पर लेयर है रेड कलर की, उसे कहते हैं हम एपीमेट्रियम, जो के है किसके लिए, ज़रूरी ब्लड सप्लाई के लिए, ठीक है। और दूसरी जो वेजल है उसे कहते हैं मायोमेट्रियम, वेजल कह लें या कुछ स्ट्रक्चर कह लें, जिसे जो जो के है क्या है, मायो, मायो कहते हैं हम मसल्स को, ये मसल्स हैं, ठीक है। मायोमेट्रियम क्या है, जो हमने मैंने आपको यहाँ पे शो किया, जो के किस कलर का बना हुआ है, ग्रीन का, सर्विक्स ना समझिएगा, इन्हीं जो तो आपको डार्क दिख रहे हैं ना, एक ब्लैक दिख रहा है, रेड दिख रहा है और एक ब्लू दिख रहा है, इसी के बीच में एक मायोमेट्रियम भी है, मसल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम जो ब्लू कलर की बनाई हुई है यहाँ पे, जिसके ऊपर एक एक बना बना हुआ है, ये से कहते हैं हम एंडोमेट्रियम, जो कि किसके लिए है, रिसेप्शन ऑफ द ओवियम के लिए, ठीक है। एंडोमेट्रियम मैं आपको बताऊँगा किसने बनाई है, एक प्रोसेस है, मतलब कि लंबा मैं आपको आगे बता रहा हूँ, मिस नहीं कीजिएगा इस लेक्चर को, ठीक है। एक एक पॉइंट इसकी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आती है, ठीक है, कि ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो आउटर लेयर है इसे कहते हैं हम लेबिया मेजोरा, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेबलिंग, और उसकी इनर साइड, इनर लेयर को कहते हैं हम लेबिया मिनोरा, माइनोरा, ठीक है, मिनोरा नहीं, माइनोरा। और उसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं हम बल्ब ऑफ द वेजिटेबल्स, ठीक है। और उसके अंदर दो पोर्स हैं, एक पोर को कहते हैं वेजाइनल केनाल, एक पोर को कहते हैं हम यूटेरियस, यूटेराइन ओपनिंग, ठीक है, जहाँ से हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मिसकॉन्सेप्ट है कि यहाँ से बोला जा रहा है किसी बुक्स की, मतलब बहुत सारी बुक्स में, कि यहाँ पे ये वेजाइनल केनाल है, ये वेजाइनल केनाल नहीं, ये इनर साइड है वेजाइनल केनाल की, ठीक है। लेकिन जो असल वेजाइनल केनाल है वो ये है, बल्बस ऑफ द वेजिटेबल्स के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो ओपनिंग है वो उसे कहते हैं यूटेराइन ओपनिंग, ठीक है, वो किसके लिए होता है, यूरिन के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है, ऑफकोर्स। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ये इस तरह से इनर साइड के ऊपर, उसे कहते हैं हम साइटोरिस, क्लाइटोरिस, ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम, क्लाइटोरिस, यहाँ पे लेबल किया हुआ मैंने। और ऊपर वाली लेयर पे भी इस तरह से उसे कहते हैं हम पेप्यूस, यहाँ किसी किसी बुक्स में लिखा होता, लिखा होता है परप्यूस, ठीक है। इससे आपको घबराना नहीं, मतलब कि ये एक सेम मीनिंग के वर्ड है। अब इस सारे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जो कि यहाँ पे हमने बनाए, भाई क्लाइडोरे से, बल्ब ऑफ वेजिटेब्यूल से, वेजाइनल केनाले, ये सारे स्ट्रक्चर्स कहते हैं हम वल्वा, ठीक है। आगे देखते हैं कि हम भाई अब एक किस तरह से बनता है। अब एक बनने की भी एक साइकिल है, ठीक है, 28 डेज की साइकिल है वो। अब देखते हैं हम किस तरह से वो होती है हमारे यहाँ पे ओवरीज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर से यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टीज लगेगी, लेकिन आपको एक फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है, हार नहीं मानिए को भाई के ये नहीं हो सकता, आपको फोकस से पढ़ना है, ठीक है। चार फेजेज हैं यहाँ पे, एक एम फेज है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज है एफ फेज, फोलिकल फेज, ठीक है, तीसरा फेज है ओ फेज, ओवुलेटरी फेज, ठीक है, और चौथा फेज है आखिरी ल्यूटिनल फेज, एल फेज। अब यहाँ पे जो एम फेज होता है वो होता है एक से चार दिन में। अब ये पूरी साइकिल जो होती है ना 28 डेज वाली, वो होती है स्टार्ट तब जब के एक फीमेल मैच्योर होती है, मतलब कि 14 से 16 ईयर से शुरू होती है ये साइकिल, और ये 50 ईयर तक चलती रहती है जब तक इसको स्पर्म ना मिले, एक बनता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एम फेज जो होती है वो एक से चार दिन तक होती है, और जो दूसरी फेज है
फॉलिकल फेज वो होती है किससे, 5 से 13 डेज तक, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन नहीं किया हुआ लाइट की वजह से बोर्ड के ऊपर, 5 से 13 डेज तक, ठीक है। और जो ओ फेज है, ओवुलेटरी फेज है, वो 14th डे पे होता है, ठीक है। और जो आखिरी फेज है ल्यूटिनल फेज, वो होता है 15 से 28 डेज तक। कहा यह जाता है कि जो ये दो फेजेस है ना, ये जो दो फेजेस हैं, एम फेज और एफ फेज, ठीक है, ये कहा जाता है कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल फेज है, ठीक है। और जो एल फेज के बारे में कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, वो नॉन वेरिएबल फेज है, ठीक है। वेरिएबल फेजेस हैं, वेरिएबल फेजेस हैं, ठीक है। कहाँ पे भी आएगा भाई, वेरिएबल फेजेस कौन सी होती हैं, वो होती है कौन सी, एम फेज और एफ फेज, ठीक है। अब देखते हैं शुरू शुरू से कि भाई ये एक ओवरी है, इसके अंदर भाई कुछ स्ट्रक्चर्स पहले बने, वो क्या बने, स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थे, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए हैं, ये 1 2 3 4, ये सिर्फ चार नहीं है, हज़ारों हैं। अब एक हम इस फॉलिकल को देखें, अगर इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखें, तो यहाँ पे ये इस फॉलिकल बने होते हैं इस ग्रेन्यूलोस ग्रेन्यूलास ग्रेन्यूलोजा सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। ये जो गोल गोल से बने हुए हैं ना चेन की तरह, ये ग्रेन्यूलोजा सेल्स हैं, ठीक है। और उसके अंदर बीच का है ना यहाँ पे, ये एक न्यूक्लियस, अभी इसको मैं न्यूक्लियस कहूँगा, आखिर में जब इसको मैं ओपन करूँगा स्ट्रक्चर को, उसके बाद ये ओवम बनेगा। अभी इसको मैं आपको समझाने के लिए न्यूक्लियस कह रहा हूँ। अब इस न्यूक्लियस के ऊपर ना एक लेयर है, ये इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के बाहर, और इस न्यूक्लियस को अलग कर रहा है एक लेयर है जो कि साइटोप्लाज्म से अलग कर रही है, वो है जोना पेलिसुडा। ये आपने लेयर पढ़ी होगी कहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ चिक में, जहाँ पे एक लेयर होती है, एक हिस्सा होता है जहाँ पे साइटोप्लाज्म से मैच, मतलब कि कनेक्टिंग कनेक्टिंग नहीं होती साइटोप्लाज्म से, ठीक है। वो कौन सा एरिया होता है, वो जोना पेलिसुडा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ओवरी में जब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं, तो यहाँ पे इनको स्टिमुलेट करने के लिए भी क्या होते हैं, हमारे पास क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें हॉर्मोन्स चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे फीमेल के अंदर ना बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, ये आपको थोड़ा तंग करेंगे, लेकिन आज तक आपको एक बार देखेंगे वीडियो को, दो बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, मैंने आपको बताया पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि ये होता है ब्रेन में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है, ठीक है। इसके 3 लोब होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि GnRH कहाँ से आता है, ये आता है हाइपोथैलेमस से, ये स्टिमुलेट करता है FSH को। FSH कहाँ पे, कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर लोब में, ठीक है। और ये करता है LH को स्टिमुलेट, और प्लस एल्डो स्टीरोडाइन, ठीक है, स्टीरोडाइन डियोन, एल्डो स्टीरोय डियोन, ठीक है। और ये जाके करता है स्टिमुलेट एंड्रोजन को, ठीक है, एंड्रोजन को स्टिमुलेट करता है, और एंड्रोजन जो होता है ना, वो उसके बाद स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि FSH जो होता है ना, वो फॉलिकल्स को नरिशमेंट देता है, और LH जो होता है ना, वो एक इन फॉलिकल्स के ऊपर ना एक लेयर होती है, वो होता है थीका, यहाँ पे लेबल किया हुआ है, उसको नरिशमेंट देता है, देता है, ठीक है। और ये सारे मिलकर ना इनको नरिशमेंट देते हैं, मतलब एक एक इनको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, सारे मिलकर, ये सारे जो हमारे पास हॉर्मोन्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, इनको फॉलिकल्स को जो है ना, प्राइमोडियल से शुरू होकर जब आखिर तक जो हमारे ग्रेफाइन ग्रेफियन फॉलिकल है, यहाँ तक इनको मदद, एक एनर्जी देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस्ट्रोजन जो होता है, वो फॉर्म करता है एंडोमेट्रियम को भी फॉर्म करने में मदद करता है, और एंडोमेट्रियम को एक नरिशमेंट भी देता है, और ओवियम को भी नरिशमेंट देता है। अब देखते हैं क्या होता है कि भाई पहला जो फॉलिकल था, वो क्या था, प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। पहले हम कौन से फेज से भी शुरू कर रहे हैं, एफ फेज से शुरू कर रहे हैं, 5 से 13 डे तक, ठीक है। अब एम फेज क्यों शुरू नहीं कर रहा, मैं आपको इसका भी बताऊंगा बाद में आखिर में, ठीक है। पहले हम शुरू कर रहे हैं 5 से 13 डेज तक फॉलिकल फेज, फॉलिकल्स बने और उसके बाद इनको नरिशमेंट मिली FSH से और LH से
फीका को नरिशमेंट मिली तो ये बढ़े, कुछ जिनकी साइज बढ़ी तो इसको हमने बोला प्री एंट्रल, प्राइमोडियल से फोलिकल से डायरेक्ट हो गया प्री एंट्रल। प्री एंट्रल क्यों कह रहे हैं हम, उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। अब इसको फिर से नरिशमेंट मिली तो ये और बड़ा हो गया साइज में, तो इसके अंदर ना एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, उसको कहते हैं हम एंट्रम। अब एंट्रम बनने से पहले वाली फेज को हमने क्या बोला, प्री एंट्रल, और एंट्रल वाली फेज को हमने क्या बोला, एंट्रल फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल्स तो ये हमारे पास हैं लेकिन फीका भी है और उसके अंदर एंट्रल एंट्रम बना, तो इसको एंट्रल फॉलिकल बना हमने नाम दिया। अब इसको और नरिशमेंट मिली तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, इसको कहते हैं पोस्ट एंट्रल, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा। एक देखिए यहाँ पे जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं, प्री एंट्रल फॉलिकल्स हैं, एंट्रल फॉलिकल्स हैं, पोस्ट एंट्रल फॉलिकल्स हैं, सारे बहुत सी तादाद में होते हैं, ठीक है, बहुत सी तादाद में होते हैं। अब यहाँ पे जो एक होता है ना इसमें पोस्ट एंट्रल फॉलिकल्स में, एक जो आखिरी होता है पोस्ट एंट्रल फॉलिकल, एक बहुत बड़ा साइज का होता है, एक फॉलिकल होता है जो बहुत ज़्यादा बड़ी साइज का होता है, सबसे अलग होता है वो, उसको कहते हैं हम ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, सब लादा ता दें ओवरी में, लेकिन एक स्ट्रक्चर एंट्रल है जो कि एक है सिर्फ तादाद में, वो कौन सा है, पोस्ट एंट्रल। अब यहाँ पे 5 to 13 days होते हैं कहाँ तक, पोस्ट एंट्रल फॉलिकल्स बनने तक, यहाँ ग्रेफियन फॉलिकल बनने तक। यहाँ पे एलएच सर्ज होता है, इसको हम कहते हैं एलएच सर्ज, वो क्या होता है, इसको नरिशमेंट देता है फीका को। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये रप्चर हो जाती है इस स्टेज पे, एलएच सर्ज पे, मतलब कि एक जो थीका होती है वो कम हो जाती है ना एलएच की नरिशमेंट, एक मतलब मैक्सिमम ऑप्टिमम होता है एलएच के वर्किंग का, एलएच की नरिशमेंट देने का, लेकिन वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद ना ये नरिश जो थीका होती है वो रप्चर हो जाती है, रप्चर हो जाती है तो वो एक ओवरी के वॉल के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बखूब आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे एक स्टेज आता है 14th day का। ठीक है, अब 14th day में क्या होता है कि ओवियम जो है ना वो रिलीज़ होता है। अब यहाँ पे 13th day तक आपको समझ आ गया कि कौन कौन से आपको हमारे पास स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स हैं, किसने क्या काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे 14th day आता है, 14th day एफ एज मुकम्मल हो गया, कहाँ तक मुकम्मल हुआ ये एफ एज मुकम्मल हुआ ग्रेफियन फॉलिकल तक। ठीक है, उसके बाद मतलब कि ठीक है, और उसके बाद आता है ओ फेज होता है हमेशा 14th day पर। एम फेज और एफ फेज वेरिएबल होता है, कभी 18 दिन से शुरू होता है तो मतलब सोन 14th day 13th day तक कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद फौरन उसके 14th day पर ये चीज़ होती है लाजमी, ये वेरिएबल नहीं है, और नॉन ये भी नॉन वेरिएबल है और ये एल फेज भी नॉन वेरिएबल है, ये बिल्कुल इनके बाद डायरेक्ट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओवियम बना, ओवियम किस तरह से बना, ये बस्ट हुआ, ठीक है बस्ट हुआ तो फॉलिकल्स बस्ट हुए तो ये हमारे फॉलिकल्स, तो यहाँ पे जो जिसको मैं न्यूक्लियस बोल रहा था ना ये एक्सक्रीट हुआ। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं अब एक कहेंगे, इसको हम ओवियम कहेंगे। ठीक है, अब ये ओवियम कहाँ पे लगा हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि एंडोमेट्रियम के ऊपर ये लगा हुआ है, क्या ओवियम, ये ओवरी से बना, यहाँ से आया यहाँ पे निकला। ठीक है, ऐसे बनना बन रहा है, और अब 14th day के बाद 15th day आता है, 15th day से 28th day तक क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि 14th day पे जो ओवियम तो बन गया हमारा 14th day पर, अब यहाँ पे जो पीछे पोस्ट एंट्रल हमारे फॉलिकल्स बन रहे हैं वो कहाँ पे चले गए, तो वहाँ पे क्या होता है कि एपोप्टोसिस अकर होती है। ठीक है, एपोप्टोसिस अकर में क्या होता है कि प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, भाई जो हमारे एक्स्ट्रा फॉलिकल्स हैं उसको प्री प्रोग्राम करके प्रोसेस करके उसको मार दिया गया। ठीक है, उनको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक जो ग्रेफियन फॉलिकल था उसको बस्ट हुआ क्योंकि वो एलएच सर्ज मतलब कि वो अपनी ओप्टिमम पहुंच गया, थीका रप्चर हुई और उसके बाद ओवरी के साथ अटैच हुई, उसके बाद ये जो हमारा न्यूक्लियस था इसको ये बाहर आ गया। ठीक है, और ये यहाँ पे इसको हम ओवियम कहेंगे, ये न्यूक्लियस नहीं था मतलब ये ओवियम ही था, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसको न्यूक्लियस बोल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, आगे जो एक पोस्ट एंट्रल्स होंगे वो रप्चर मतलब ख़त्म होके
ये कॉर्पियस ल्यूटियनियम ल्यूटियम में बन जाते हैं, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये फिर से डिकम्पोज होते हैं, और उसके बाद फिर ये इसके बाद और डिसोसिएट होता है और कन्वर्ट होता है कॉर्पस एल्बिकन में, ठीक है। और ये फिर डिसोसिएट होता है, टूटता है, फिर ये एक फैट ग्लोब्यूल में बनता है, ठीक है। अब ये कौन सी साइकिल थी, 15 डे से 28 डे तक। अब ये यहाँ पे कौन इनको नरिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एस्ट्रोजन ख़त्म हो गया, एस्ट्रोजन कहाँ तक ख़त्म हो गया, यहाँ तक 14 डे तक ख़त्म हो गया, ठीक है। या एस्ट्रोजन का काम क्या था भाई, एस्ट्रोजन का नरिशमेंट का काम था, एंडोमेट्रियम का काम को नरिशमेंट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इसकी भी एक सर्ज आ गई, इसकी भी एक ऑप्टिमम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने प्रोजेस्ट्रॉन को एक्टिव किया, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन को एक्टिव करके, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ने क्या की क्या किया, इसने फिर से इसने भी एंडोमेट्रियम को नरिश किया, और फिर क्या किया, इनको भी नरिश किया, ठीक है, इनको भी ख़त्म किया। ये फिर ये एक फैट ग्लोबियल जो होता है वो बॉडी में रिलीज हो जाता है, मतलब बॉडी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है कि हमारे पास अब ऑर्गन्स जो होते हैं वो मैंने आपको 50 से 28 डे तक समझा दिया। अब यहाँ पे एम फेज आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एम फेज में क्या होता है कि ये हमारा जो ओवियम बना 14 डे से शुरू हुआ, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम तक पर हमारा जो फॉर्म्ड ओवियम है पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इसको स्पर्म ना मिलेगा ना यहाँ से, तो ये क्या करेगा कि प्रोजेस्टेरोन इसको नरिश नरिश करके ना थक जाएगा, मतलब उसकी भी एक ऑप्टिमम आ जाएगी, तो ये ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ब्रेन को एक मैसेज पहुंचेगा, ब्रेन ऑटोमेटिक इसको ख़त्म करने के लिए, इस प्रोजेस्टेरोन को नरिशमेंट को ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, इनहिबिन को शुरू करेगा, एक्टिव करेगा। इनहिबिन क्या होता है भाई, एक एक्टिविटी रोकने वाला, ठीक है। एक्टिविटी रोकने के लिए ना ये नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है। यहाँ पे देख, इस तरह से आप मैंने ड्रॉ किया हुआ, नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, प्रोजेस्टेरोन को, प्रोजेस्टेरोन को किस तरह पे, प्रोजेस्टेरोन को किस तरह से नेगेटिव फीडबैक देगा, देगा कि भाई ये नरिश करना छोड़ देगा एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम भी क्या करेगी भाई, इसकी जो वेजल है, ठीक है, ये ब्लड सप्लाई जो मैंने एपीमेट्रियम आपको आपको दिखाई, ये शेड कर जाएगी, और उसके साथ साथ ये जो एग है ना ये भी एक्सक्रीट हो जाएगा। अगर इसको स्पर्म ना मिला, तो जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो मैक्स अपनी ऑप्टिमम में पहुंचेगा, वो अपना काम खत्म करेगा, फिर वो दिमाग जो हमारा ब्रेन है वो मैसेज करेगा, ट्रांसफर क्रिएट करेगा, फिर इनहिबिन को एक्टिव करेगा, फिर इनहिबिन क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन को नेगेटिव फीडबैक देगा। लेकिन इनहिबिन एक अच्छा काम भी करता है, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, फिर से ताकि फिर से ये जीन आरएच को कंप्लीट करे, बनाए, फिर वो जीन आरएच को एफएसएच को स्टिमुलेट करे और एलएच को स्टिमुलेट करे, ताकि फिर से ये फॉलिकल्स बने, फिर से ये साइकिल रिकम्प्लीट, मतलब कि री अगेन हो। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि एम फेज में क्या होता है, द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है भाई, यहाँ पे एंडोमेट्रियम एक मतलब कि रिसीवर ऑफ द ओवियम है, ठीक है, वो भी एक क्या है, एंडोमेट्रियम क्या है, यहाँ पे एक रिसेप्शन ऑफ दी ओवियम है, एक वेजल है, ठीक है। अब यहाँ पे शेडिंग ऑफ दी एंडोमेट्रियम बन गई, क्योंकि उसको प्रोजेस्टेरोन की तादाद बढ़ गई और वो उसकी नरिशमेंट नहीं हो रही थी, तो ख़त्म हो गई। वो विल अकर अलोंग विद द ओवियम एंड द ब्लड कैपिलरीज टर्म्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ पे जो पीरियड्स आते हैं ना एक फीमेल को, तो मतलब ये वो लम्हा होता है, ठीक है, ये एक दिन से फोर्थ दिन चौथे दिन तक स्टार्ट होता है, जब एक फीमेल मैच्योर होती है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरी से मुराद है एपीमेट्रियम, ठीक है। और उसके बाद ये इनहिबिन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, किसको देगा पॉजिटिव फीडबैक, ये देगा हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक, ये एफएसएच को स्टिमुलेट करेगा, ट्रोपिन, क्योंकि ट्रोपिन ग्लैंड है, मतलब कि ये हर किसी को स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी से एफएसएच को, एफएसएच और एलएच को, एफएसएच फॉलिकल्स बनाएगा, एलएच नरिशमेंट देगा थीका को, फिर एलडी स्टीरोइड स्टीरोइडियन, और फिर वो एंड्रोजन को करेगा, एंड्रोजन एस्ट्रोजन को करेगा, एस्ट्रोजन एंड्रोडियम को बनाएगा, फिर से वो ब्लड सप्लाईज बनेंगी, फिर से वो मतलब कि एक एक बनेगा, ये मतलब कि एक हमारी जो साइकिल है वो कंप्लीट होती जाएगी। इस तरह से मैंने हमने आपको बताया कि भाई ये 1 से 4 दिन, फोर्थ दिन, चौथे दिन का कौन सी होती है, मेंस्ट्रुअल फेज होती है, ठीक है। यहाँ पे पीरियड्स जब आती है, मेंसेस आते हैं, तो ये वो फेज होती है, ठीक है।
यहाँ फॉलिकल फेज कौन सा होता है, 5 से 13 दिन तक यहाँ पे फॉलिकल्स बनते हैं। आखिरी कौन सा था हमारा, पोस्टरेंटल था, पोस्टरेंटल था और ग्रेफियन फॉलिकल था। उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज था, ओव्यूलेटरी में हमने बताया आपको कि भाई यहाँ पे एक एक जो होता है वो एक्सक्रीट होता है। एल फेज में क्या होता है कि भाई वो जो बचे हुए होते हैं पोस्टरेंटल वो डिसोसिएट होते हैं, वो बनते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, ल्यूटियम में, और फिर वो उसके बाद फिर डिसोसिएट होते हैं फिर कॉर्पस एल्बिकन में, फिर वो डिसोसिएट होते हैं फैट ग्लोबुल में, फैट ग्लोबुल वो इन्वॉल्व हो जाता है बॉडी के अंदर। वो कितने दिन से कितने तक होता है ये फेज, आखिरी फेज एल फेज 15 से 28 दिन तक। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन इनको नरिश करता है और इनहिबिन, और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो एंडोमेट्रियम को भी नरिश करता है और एग को भी नरिश करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया आज का लेक्चर। अगर कोई आपका सवाल है इन दोनों लेक्चर से हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमकेट के लिहाज से भी और सेकेंडरी के लिहाज से भी। ये हमेशा हर साल एक लॉन्ग बन के आता है, या तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल या तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल पूछा जाता है आपसे। ये दोनों इस साल भी एमकेट में इंक्लूड हैं, सिर्फ दो होते हैं और वो डिजीज़ होते हैं भाई, इससे सेक्स से डिजीज़ क्या होती हैं वो भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक है एमकेट में इस साल 2022 के अंदर। बाकी सिर्फ दो ही एम टॉपिक हैं एमकेट के अंदर, और 12वीं क्लास के लिए भी ये बहुत एम टॉपिक है, एक लॉन्ग सवाल बनता है। कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।